हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करूँगी आज की वीडियो में, जिसके नाम है द नाइटिंगेल एंड द रोज़, एंड दिस इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. शी सेड दैट शी वुड डांस विद मी इफ आई ब्रॉट हर रेड रो इफ आई ब्रॉट हर रेड रोजेस, क्राइड द यंग स्टूडेंट, बट इन ऑल माई गार्डन देर इज नो रेड रोज. व्हेन द स्टोरी बिगिंस वी सी अ यंग स्टूडेंट है जो बोल रहा है, जो क्या बोल रहा है कि वो कह रही है कि वो मेरे साथ डांस करेगी अगर मैं उसके लिए सुर गुलाब लेकर जाऊंगा. बट इन ऑल माय गार्डन यहाँ पर कोई रेड रोज है ही नहीं. फ्रॉम हर नेस्ट इन द होम ऑफ ट्री द नाइटिंगेल हर्ड हिम एंड शी लुक्ड आउट थ्रू द लीव्स एंड वंडर्ड. वहाँ पर जो है, जहाँ पर वो बोल रहा है, वहाँ पर उसके करीब जो है एक ओक का दरख्त है. होम ओक मीन्स, होम मीन्स होली ओक, ये ओक की एक टाइप है, ओक के दरख्त की एक किस्म है. वहाँ पर एक नाइटिंगेल थी उस दरख्त पर, उसने उसकी बात सुन ली. एंड शी लुक्ड आउट थ्रू द लीव्स, और दरख्त में जो है पत्ते उसके सामने थे, उसने जो है लीव्स में से बाहर देखा. एंड वॉन्डर, और हैरान हुई. नो रेड रोज इन ऑल माय गार्डन ही क्राइड, वो स्टूडेंट जो है वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है और कहता है मेरे बाग में कोई रेड रोज है ही नहीं. एंड हिज ब्यूटीफुल आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी खूबसूरत आंखें जो है उसमें आंसू आ गए. आह, ऑन व्हाट लिटल थिंग्स डज हैप्पीनेस डिपेंड, वो कहता है कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है खुशियाँ मिलती हैं. आई हैव रेड ऑल दैट द वाइस मैन हैव रिटन इन ऑल द सीक्रेट्स ऑफ फिलोसफी एंड माइंड, येट फॉर वॉन्ट ऑफ अ रेड रोज इज माई लाइफ मैड रेच्ड. वो कहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है. यहाँ पर ये हम स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं, उसको स्टूडेंट भी बोला गया, उसका नाम नहीं बताया गया. और वो हमें ये बता रहे हैं कि उसने कितना ज़्यादा पढ़ा है. कहते हैं मैंने वो सब पढ़ा है जो कि अक्लमंद इंसानों ने लिखा है. फ़िलसफे के तमाम राज मेरे हैं. येट फॉर वॉन्ट फॉर रेड रोज इज़ माई लाइफ मेट, फिर जो है सुर गुलाब की कमी ने मेरी ज़िंदगी को इतना ख़राब कर दिया है. हेयर एट लास्ट इज़ अ ट्रू लवर सेट द नाइटिंगेल, जब वो सारी बातें सुनती है तो नाइटिंगेल कहती है यहाँ पर आखिरकार एक ट्रू लवर मुझे मिला है. यहाँ पर जो है नाइटिंगेल उसकी बात समझ रही है. स्टोरी में जो है ट्रीज बोलेंगी, नाइटिंगेल बोलेगा, लिजर्ड बोलेगी, लेकिन झूर में जब उसने ये लिखी थी ऑस्कर वाइल्ड, तो लोग समझते थे कि ये बच्चों की स्टोरीज हैं. लेकिन ऑफ कोर्स जब आप स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई जो है किड स्टोरी नहीं हो सकती, बल्कि ये बड़ों के लिए ही है. खैर, स्टूडेंट जब ये बातें करता है, नाइटिंगेल उसकी बात समझ लेती है. और नाइटिंगेल कहती है कि तो बहुत सच्चा लवर है. नाइट आफ्टर नाइट हैव आई संग ऑफ हिम दो आई न्यू हिम नॉट, वो कहती है कि हर रात मैं इसके गीत गाती थी. नाइटिंगेल इज फेमस फॉर इट्स सिंगिंग, तो कहती है कि मैं तो हर रात इसके गीत गाती थी, लेकिन मैंने उसमें इसको पहचानती ही नहीं थी. नाइट आफ्टर नाइट हैव आई टोल्ड हिज स्टोरी टू द स्टार्स एंड नाउ आई सी हिम, हर रात मैंने इसकी कहानी सितारों को सुनाई है. इसकी कहानी मीन्स मोहब्बत की कहानी, मैं हर वक्त मोहब्बत की गीत गाती हूँ. मैंने इसकी कहानी सितारों को सुनाई, अब मैंने इसे देख लिया. हिज हेयर इज डार्क एज द हायसिंथ ब्लॉसम, इसके बाल, वो स्टूडेंट की तारीफ कर रही है कि बहुत हैंडसम है, इसके बाल ऐसे है जैसे जो है हयासिंथ एक फ्लावरिंग प्लांट का नाम है, फूल का नाम है, उस फूल की कलियों जैसे जो है इसके बाल जो है वो डार्क है. इन हिज लिप्स आर रेड एज द रोज ऑफ हिज डिजायर, और जिस किस्म की फूल की ख्वाहिश करता है, रेड गुलाब की ख्वाहिश करते है, उसकी लिप्स इसी तरह रेड हैं. बट पेशन हैज मेड हिज फेस लाइक पेल आइवरी, लेकिन जज्बे ने, पेशन ने, गम ने जो है इसके चेहरे को बिल्कुल जो है आइवरी की तरह जर्द बना दिया है. एंड सोरो हैज सेट हर सील अपॉन हिज ब्रो, और गम ने अपनी मोहर जो है उसके माथे पर जो है वो लगा दी है. इसका मतलब ये है कि हित बहुत खूबसूरत, लेकिन जज्बे ने, गम ने उसको जो है उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है. गम ने उसके माथे पर अपनी मोहर लगा दी है. उसको देख के ही पता चलता है कि स्टूडेंट बहुत परेशान है. द प्रिंस गिव्स अ बॉल टुमारो नाइट, मरमर द यंग स्टूडेंट, ये दोबारा जो है ये नाइटिंगेल की सोच हो गई. अब दोबारा वो यंग स्टूडेंट बोल रहा है, वो कहता है कि आज रात प्रिंस जो है वो एक बाल देगा. बाल इज अ डांस पार्टी जो कि उनके इंग्लिश कल्चर में बहुत आम होती है. बाल भी जो है उसमें जो है कपल्स इन्वाइट किए जाते हैं, गर्ल्स और बॉयज, आई मीन मेल और फीमेल, और वो जो है वहाँ पर डांस होता है. स्टूडेंट ने कहा कि रात को जो है प्रिंस जो है वो एक डांस पार्टी दे रहा है. एंड माई लव विल बी ऑफ द कंपनी, और मेरी मोहब्बत भी उधर होगी. इफ़ आई ब्रिंग हर अ रेड रोज शी विल डांस विद मी टिल डॉन, अगर मैं उसके लिए एक रेड रोज ले जाता हूँ तो सुबह तक मैं ऐसा डांस करेगी. इफ़ आई ब्रिंग हर अ रेड रोज आई शेल होल्ड हर इन माई आर्म्स एंड शी लीन हर हैड अपॉन माई शोल्डर एंड हर हैंड विल बी क्लेस्ड इन माइन, बट देर इज नो रेड रोज इन ऑल माई गार्डन, सो आई सिट लोनली एंड शील पास मी बाय, शील हैड नो हीड ऑफ मी एंड माई हार्ट विल ब्रेक. यहाँ पर वो दोबारा अपने गम की दास्तान सुना रहा है कि अगर मैं उसके पास रेड रोज ले जाता हूँ, मैं उसे डांस करेगी, वो मेरे करीब होगी, लेकिन अगर मैं उसको रेड रोज नहीं देता, लेकिन चूंकि मेरे गार्डन में है ही नहीं, तो मैं अकेला बैठा रहूंगा, वो मेरे से करीब से गुजर जाएगी, मुझ पर तवज्जो नहीं देगी और मेरा दिल टूट जाएगा.
वो जो है मुझ पर तवज्जो नहीं देगी और मेरा दिल टूट जाएगा। हेयर इंडीड इज़ द ट्रू लवर, सेड द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल उसकी बातें सुनकर उसे बहुत इंप्रेस हो जाती है, बल्कि वो उसकी मोहब्बत से इंप्रेस होती है और वो कहती है ये वाकई में ट्रू लवर है। व्हाट आई सिंग ऑफ ही सफर्स, व्हाट इज़ जॉय टू मी टू हिम इज़ पेन। जिस तरह मैं गीत गाती हूँ, जो मैं इंजॉय करती हूँ, ये वो बर्दाश्त करता है। जो मेरे लिए खुशी है, इसके लिए गम है। श्योरली लव इज़ अ वंडरफुल थिंग। नाइटिंगेल इज़ वेरी इंप्रेस्ड बाय लव। वो कहती है मोहब्बत यकीन बहुत शानदार चीज़ है। इट इज़ मोर प्रेशियस देन एमराल्ड्स एंड देयर आर फाइन ऑपल्स। ये एमराल्ड से ज़्यादा कीमती है। एमराल्ड्स जो है वो कीमती जेम स्टोन्स होते हैं, ज्वेलरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड देयर आर फाइन ऑपल्स, और फाइन खूबसूरत ओपल से भी ज़्यादा ये प्यारी है। मोहब्बत बहुत अच्छी है। ओपल्स भी जेम स्टोन्स हैं। पर्ल्स एंड पोमीग्रेनेट्स कैन नॉट बाय इट, नॉट इज़ इट सेट फोर्थ इन द मार्केट प्लेस। कहते हैं ना ही तो बाजार में उसको सजाया जाता है, ना ही उसको जो है फरोख्त किया जाता है, और ना ही मोती, पर्ल्स मोती, और ना ही अनारों से इसको खरीदा जा सकता है। इट मे नॉट बी परचेज ऑफ द मार्चेंट, नॉट इट कैन बी वेटेड आउट इन द बैलेंस फॉर गोल्ड। ना ही जो है ताजरों से उसको खरीदा जा सकता है, और ना ही सोने के साथ तराजू में उसको तोला जा सकता है। मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, चाहे कोई सोना पेश कर दे, लेकिन तराजू में जो है मोहब्बत चलती ही नहीं है, तो जो है इसको जो है नापा ही नहीं जाता। तो कोई भी जो है इसका वे अनमोल है, कोई इसका मोल नहीं है। द म्यूजिशियंस विल सेट इन देयर गैलरी, सेट द यंग स्टूडेंट। दोबारा यंग स्टूडेंट है वो अपनी बात बताते हैं। उधर नाइटिंगेल उससे इंप्रेस होती जाती है। यंग स्टूडेंट कहता है म्यूजिशियंस जो है अपनी गैलरी में बैठेंगे, जब पार्टी होगी वो इमेजिन कर रहा है। जब पार्टी होगी म्यूजिक अपनी गैलरी, गैलरी जो है उनके लिए अलग सी जगह होती है जहाँ से वो सबको नजर आते हैं। उनका म्यूजिक जो है वो लाउडली बजता है। वो अपनी जगह पे बैठे होंगे एंड प्ले अपॉन देयर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है वो प्ले करेंगे, मीन्स वो म्यूजिक बजाएंगे। स्ट्रिंग जिसमें तारी होंगी, जिस तरह गिटार वगैरह, वायलिन वगैरह। एंड माई लव विल डांस टू द साउंड ऑफ द हार्प एंड द वायलिन, और मेरी जो मोहब्बत है वो डांस करेगी हार्प और वायलिन की आवाज के साथ। शी विल डांस सो लाइटली दैट हर फीट विल नॉट टच द फ्लोर एंड द कोर्टियर्स इन देयर गे ड्रेसेस विल थ्रोंग अराउंड हर। वो इतनी खूबसूरती से डांस करेंगी, इतना हल्का डांस करेगी कि उसके पैर जो है वो फ्लोर को, फर्श को टच नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स उसके पांव जो है वो फ्लोर को टच करेंगे, फर्श को। इसका मतलब ये है कि वो इतनी खूबसूरत डांस करेगी कि ऐसा लगेगा, इतनी स्मूथली स्विफ्टली जाएगी कि ऐसा लगेगा जिसके पांव जो है वो फर्श को छू ही नहीं रहे हैं। एंड द कोर्टियर्स इन द के ड्रेसेज विल थ्रोंग अराउंड हर, और तमाम दरबारी उसी से मुतासर होंगे, और अपने खूबसूरत कपड़ों में तमाम दरबारी उसके इर्द गिर्द हजूम जो है बन जाएगा। बट विद मी शी विल नॉट डांस, फॉर आई हैव नो रेड रोज टू गिव हर। लेकिन मेरे साथ वो डांस नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए रेड रोज नहीं है। एंड ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन ऑन द ग्रास एंड बेरीड हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड वेप्ट। अब स्टूडेंट ने क्या किया, उसने खुद को ग्रास पे गिरा दिया, अपना चेहरा जो है वो हाथों में छुपा लिया और वो रोया। Why is he weeping? Asked a little green lizard as he ran past him with his tail. वहाँ वो एक बाग है, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है जानवर हैं। एक लिजर्ड जो है वहाँ से गुजरी, उसने जो है अपनी टेल हवा में उठाई हुई थी, और वो जब स्टूडेंट के करीब से गुजरी, स्टूडेंट रो रहा था, तो उसने पूछा कि क्यों रो रहा है। Why indeed, said a butterfly who was fluttering about after a sunbeam. वहाँ पर एक छोटी बटरफ्लाई भी थी जो कि एक सूरज की किरण के पीछे जो थी वो घूम हिल रही थी, मूव कर रही थी। उसने कहा वाई इंडीड, हाँ वाकई में ये क्यों रो रहा है। वाई इंडीड, व्हिस्पर्ड अ डेजी टू हिज नेबर इन अ सॉफ्ट लो वॉइस। वहाँ पर डेजी जो कि एक फ्लावर के नाम है, उसने भी अपनी नेबर से, दूसरी डेजी से पूछा, हाँ वाकई में ये क्यों रो रहा है। ही इज वीपिंग फॉर अ रेड रोज, सेड द नाइटिंगेल। लेकिन नाइटिंगेल को तो सब पता है, तो नाइटिंगेल ने उन सबको जवाब दिया, ये एक रेड रोज के लिए रो रहा है। फॉर अ रेड रोज दी क्राइड, हाउ वेरी रिडिकुलस। उन सब ने कहा कितनी बेवकूफाना बात है, रेड रोज के पीछे रो रहा है, मतलब इतना बड़ा स्टूडेंट और एक गुलाब के पीछे रो रहा है। एंड द लिटिल लिजर्ड हु वाज समथिंग ऑफ अ सिनिक laughed outright. और वो छोटी सी लिजर्ड जो कि सिनिक थी, सिनिक वो बंदा होता है जो दूसरों को सेल्फिश समझता है, वो जो है मुस्कुराई और हंसी उस पर कि ये क्या आबेवकूफ शख्स है। बट द नाइटिंगेल अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ द स्टूडेंट सोरो, कि नाइटिंगेल बहुत समझती थी द स्टूडेंट के गम का मतलब, उसका राज उसको पता था, उसने सारी बातें सुन ली थी। एंड शी सेट साइलेंट इन द ओक ट्री एंड थॉट अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लव। और वो खामोशी से ओक ट्री में बैठी रही, मोहब्बत की मिस्ट्री के बारे में सोचती रही कि मोहब्बत क्या चीज़ है। सडनली शी स्प्रेड हर ब्राउन विंग्स फॉर फ्लाइट एंड सोर्ड इन टू द एयर। अचानक ही उस नाइटिंगेल ने अपने ब्राउन विंग्स फैलाए और वो हवा में उड़ी। शी पास थ्रू द ग्रूव लाइक अ शेडो एंड लाइक अ शेडो शी सेल्ड अक्रॉस द गार्डन। वो उन दरख्तों, ग्रूव इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, वो उन दरख्तों के जो ग्रुप था उनके से गुजरी एक शेडो की तरह, बहुत खामोशी से गुजरी। लाइक अ शेडो शी सेल्ड अक्रॉस द गार्डन, तमाम गार्डन में से है वो गुजरी। इन द सेंटर ऑफ द ग्रास प्लॉट वाज स्टैंडिंग अ ब्यूटीफुल रोज tree, and when she saw it she flew over to it and lit upon a spray. जो है उसी जो है ग्रास में
उसी जगह पर उसके दरमियान में खूबसूरत जो है रोज़ का दरख्त जो था वो खड़ा हुआ था, और जब उसने उस दरख्त को देखा वो गई एंड लेट अपॉन अ स्प्रे और उसकी एक ब्रांच पर बैठ गई। गिव मी अ रेड रोज़ शी क्राइड एंड आई सिंग यू माई स्वीटेस्ट सॉन्ग, उसने उसे क्या कहा, मुझे रेड रोज़ दे दो और मैं तुम्हें अपने सबसे प्यारा गाना सुनाऊंगी। बट द ट्री शुक इट्स हैंड, लेकिन ट्री में नाम है सर हिलाए, नो उसने कहा नहीं, माई रोजेज़ आर वाइट इट आंसर्ड, मेरे गुलाब सफ़ेद हैं, एज वाइट एज द फोम ऑफ द सी, इतने ही वाइट है जितनी समंदर के ऊपर जाग होती है, एंड वाइटर देन द स्नो अपन द माउंटेन, और माउंटेन्स के ऊपर वो स्नो कितनी वाइट होती है, मेरे पूल उससे भी ज़्यादा वाइट है। बट गो टू माई ब्रदर हु ग्रोज अराउंड द ओल्ड सन डायल, लेकिन मेरे उस बाई के पास जाओ, दूसरे दरख्त के पास जाओ जो कि पुराने सन डायल के गिर्द उगा हुआ है, एंड परहैप्स ही विल गिव यू व्हाट यू वांट, और शायद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दे सके। सन डायल जो है पुराने ज़माने की घड़ी होती थी, इस बात से हमें पता चलता है कि स्टोरी पुराने जमाने में सेट की गई है, कहा सुनाई गई है। सनडायल, इसको सनडायल इसलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी जो थी जब वो इंस्ट्रूमेंट पे पड़ती थी तो उसके साए के मुताबिक जो था वो टाइम जो है वो बताती थी। तो उसने कहा कि तुम उधर चले जाओ, मेरे गुलाब तो हैं लेकिन वो तो वाइट कलर के हैं, तो मेरे दूसरे जो है बाई है गुलाब के दरख्त है उसके पास जाओ और शायद वो तुम्हें दे सके। सो द नाइटिंगेल फ्लू ओवर टू द रोज ट्री दैट वाज गोइंग अराउंड द ओल्ड सनडायल, द नाइटिंगेल जो है उस दरख्त के पास गई, गुलाब के दरख्त के पास जो कि पुराने सनडायल के गिर जो था वो उगा हुआ था। गिव मी अ रेड रोज शी क्राइड एंड आई सी यू माई स्वीट strong, but the tree shook its head. वो दूसरे दरख्त के पास गई और उसको भी यही कहा कि मैं तुम्हें अपने सबसे प्यारा गाना सुनाऊंगी, तुम मुझे रेड रोज दे दो। असल में उसके देने के पास और कुछ था ही नहीं, उसका सॉन्ग ही था, वो सब कुछ यही पेश करती रही। माई रोज इज आर येलो इट आंसर, लेकिन उस दरख्त ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें रेड रोज नहीं दे सकता, मेरे गुलाब येलो हैं, एज येलो इज द हेयर ऑफ द मर मैडन हु सिट अपॉन एन एम्बर थ्रोन, उस जलपरी के बालों की तरह जो है येलो हैं जो कि एम्बर के तख्त पे बैठी होती है। अम्बर जो है इज अ वेरी कीमती, इज अ वेरी प्रीशियस सब्सटेंस, बहुत कीमती सब्सटेंस होता है। एंड येलोवर देन द डेफोडिल दैट ब्लूम्स इन द मीडो बिफोर द मूर कम्स विद हिज स्काइ, और डेफोडिल्स की जो फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, बाग में कहता है जो डेफोडिल्स की फूल उगते हैं मेरे गुलाब उससे भी ज़्यादा येलो हैं। एंड येलोवर देन द डेफोडिल दैट ब्लूम्स इन द मीडो, जो कि चरागाह में उगते हैं डेफोडिल्स, बिफोर द मूर कम्स विद हिज स्काइ, माली जो है जब अपने स्काइ के साथ आता है, मतलब जब वो आता है तो शायद वो फूलों को काट लेता है, उससे पहले जो है वो डेफोडिल्स जो खिलते हैं वो उससे ज़्यादा जो है मेरे गुलाब येलोवर है। मोर इज माली स्काइ, उसका एक आला है जिससे वो काटता है। बट गो टू माई ब्रदर हु ग्रोज बीनीथ द स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा एक और जो है बाई है, मतलब गुलाब के दरख्त है जो स्टूडेंट की विंडो के नीचे उगा है, एंड परहैप्स ही विल गिव यू व्हाट यू वांट, और शायद वो तुम्हें वो चीज दे दे जो तुम्हें चाहिए है। सो द नाइटिंगेल फ्लू ओवर टू द रोज ट्री दैट वाज ग्रोइंग बीनीथ द स्टूडेंट्स विंडो, नाइटिंगेल जो है उस रोज ट्री के पास गई जो कि स्टूडेंट के विंडो के नीचे उगा था। गिव मी अ रेड रोज शी क्राइड एंड आई सिंग यू माई स्वीटेस्ट सॉन्ग, बट द ट्री शुक इट्स हेड, उसने फिर कहा, उसने तीसरे दरख्त को भी कहा कि मुझे एक रेड रोज दे दो और मैं तुम्हें अपने सबसे प्यारा गाना सुनाऊंगी, लेकिन इस तीसरे दरख्त ने भी उसको इनकार किया। माई रोजेज आर रेड, मेरे गुलाब सुर्ख हैं, इट आंसर्ड, एज रेड इज द फीट ऑफ द डव, इतना रेड है जिस तरह फाख्ता के पाँव होते हैं, एंड रेडर देन द ग्रेट फैंस ऑफ कोराल दैट वेव एंड वेव इन द ओशन कैवर्न, और उन जो है कोराल के फैंस से ज़्यादा रेड हैं जो कि समंदर की कैवर्न में जो है वेव करते हैं, मूव करते हैं, रेडर वो ज़्यादा रेड है देन द ग्रेट फैंस ऑफ कोराल, कोराल इज़ अ मेरीन प्लांट, एक प्लांट है जो कि पानी के अंदर होता है, समंदर के अंदर होता है, उसके फैंस होते हैं, मतलब उसके साथ ऐसे स्ट्रक्चर सा होता है पंखों की तरह, तो कहते हैं वो फैंस जो है दैट वेव एंड वेव, क्योंकि पानी के साथ वो मुसलसल हिलते हैं और वो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। इन द ओशन कैवर्न, ओशन ऑफ कोर्स समंदर, कैवर्न जो है छोटे गार होते हैं, समंदर के अंदर जो छोटे छोटे गार बने होते हैं उसमें जो है कोराल के प्लांट्स होते हैं, उनके जो फैंस होते हैं वो रेड होते हैं, मेरी पूल उससे भी ज़्यादा रेड है। बट द विंटर हैज चिल माई वीन्स, लेकिन सर्दियों ने जो है मेरी रगों को ठंडा कर दिया है, एंड द फ्रॉस्ट हैज निप्ड माई बर्ड्स, और जो है तूफान आया, वो आइस का तूफान, स्नो का तूफान आया और उसने जो है मेरी कलियां तोड़ दी हैं, एंड द स्टॉर्म हैज़ ब्रोकन माई ब्रांचेस, और तूफान ने जो है मेरी शाखों को तोड़ दिया है, एंड आई शैल हैव नो रोजेज ऑल एट ऑल दिस ईयर, इस साल जो है मैं बिल्कुल जो है मुझ पर गुलाब उग ही नहीं सकते, वन रेड रोजेज ऑल आई वांट, क्राइड द नाइटिंगेल, लेकिन नाइटिंगेल जो बहुत स्टूडेंट की हेल्प करना चाहती थी वो कहती थी मैं सिर्फ तुमसे एक रेड रोज मांग रही हूँ, ओनली वन रेड रोज, सिर्फ एक, इज देयर एनी वे बाय व्हिच आई कैन गेट इट, तो उसे पूछती है कि क्या कोई तरीका है कि इसमें से मुझे रेड रोज मिल जाए, देयर इज अ वे आंसर द ट्री बट इट इज सो टेरेबल दैट आई डेयर नॉट टेल इट टू यू, ट्री उसे बोलता है हाँ एक तरीका तो है लेकिन वो इतना खतरनाक है कि मैं तुम्हें बताने से घबराती हूँ, टेल इट टू मी सेड द नाइटिंगेल, आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं लगता, नाइटिंगेल ने कहा तुम मुझे बताओ।
If you want a red rose, said the tree, you must build it out of music by moonlight and stain it with your own heart's blood. उसने उसे कहा, ट्री ने उसे कहा, अगर तुम्हें रेड रोज चाहिए तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि तुम जो है म्यूजिक से, मतलब अपने गाने गाओगी चांद की रोशनी में, और जो है फूल जो है हम फिर बनेगा, एंड स्टेन इट, लेकिन तुम उसको रंग दोगी विद योर ओन हार्ट स्प्लिट, अपने दिल के खून से, क्योंकि खून रेड कलर का होगा, वो कलर जो है तुम उस फूल को दोगी तभी जो है वो रेड होगा. यू मस्ट सिंग टू मी विद योर ब्रेस्ट अगेंस्ट अ थॉर्न. उसका सारा प्रोसेस कैसे होगा, तुम जो है, वो दरख्त कहता है, तुम मेरे मुझ पर बैठोगी जो है, तुम जो है मेरे खांटा जो है अपने दिल से लगाओगी. ऑल नाइट यू मस्ट सिंग टू मी, तमाम रात तुमने मेरे लिए गाना गाना है. एंड द थॉर्न मस्ट पाइट्स योर हार्ट, और वो जो कांटा होगा उसको तुम्हारे दिल के अंदर जाना चाहिए. एंड योर लाइफ ब्लड मस्ट फ्लो इन टू माई वेंस, इससे क्या होगा, जो तुम्हारा दिल का खून होगा वो उस कांटे के जरिए मेरे रगों में दौड़ेगा, एंड बिकम माइन, और तुम्हारा खून मेरा खून बन जाएगा. डेथ इज़ अ ग्रेट price to pay for a red rose, cried the nightingale. Life is very dear to all. यहाँ पर nightingale कहती है कि मौत जो है बहुत बड़ी कीमत है एक red rose के लिए. ज़ाहिर है इसका मतलब ये है, nightingale को अंदाज़ा हो गया है कि जब मैं इसको अपना खून दूँगी मैं मर जाऊँगी, मेरे दिल के अंदर का खून जाएगा. तो वो कहती है कि मौत जो है रेड रोज के लिए बहुत बड़ी कीमत है. लाइफ इज़ वेरी डियर टू आर, और ज़िंदगी सबको बहुत प्यारी है, मुझे भी प्यारी है. इट इज़ प्लेजेंट टू सिट इन द ग्रीन वुड एंड टू वॉच द सन इन हिज चैरियट ऑफ गोल्ड इन द मून इन हर चैरियट ऑफ पर्ल. वो कहती है कि जब यहाँ पर मैं ग्रीन वुड्स में, जंगल में बैठती हूँ इस दरख्त में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशगवार है. एंड टू वॉच द सन इन हिज चैरियट ऑफ गोल्ड, और मैं सूरज को देखती हूँ कि वो एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जाता है, और वो गोल्डन कलर का होता है. ये ऐसा है जैसे वो सोने की गाड़ी में बैठा हो. एंड मून इन हर चैरियट ऑफ पर्ल, और मैं मून को देखती हूँ जो एक आसमान की एक तरफ से निकलकर दूसरे की तरफ जाती है. इसका मतलब यह है कि मैं मून को देखती हूँ कि वो मोती की गाड़ी में बैठा है. स्वीट इज द स्कैंट ऑफ द हॉथॉर्न, हॉथॉर्न की खुशबू बहुत ही खूबसूरत है. एंड स्वीट आर द ब्लू बेल्स दैट हाइड इन द वैली, और वादी में जो ब्लू बेल्स के फूल हैं छुपे हुए हैं उनकी खुशबू भी मैं महसूस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है. एंड द हीदर दैट ब्लोज ऑन द हिल, और हिल के ऊपर हीदर के नाम का जो प्लांट है, जो फ्लावर है, मुझे उसकी खुशबू भी बहुत पसंद है. वो कहती है ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे चांद अच्छा लगता है, मुझे सूरज अच्छा लगता है, मुख्तलिफ फ्लावर्स को मैं पहचानती हूँ, उनकी खुशबुओं को महसूस करती हूँ, मुझे ज़िंदगी बहुत. शी इज़ एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो सिंगिंग है ना, वो गाने गाती है, वो सब फील करती है, सारी खुशबुएँ फील करती है, सारे कलर्स फील करती है. Yet love is better than life. लेकिन वो क्या कहती है, वो कहती है कि मोहब्बत जो है वो ज़िंदगी से बेहतर है. And what is the heart of a bird compared to the heart of a man? और एक इंसान के दिल के सामने एक परिंदे के दिल की बला क्या हैसियत है. ये जुमला जो है अब बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्राइक करता है, मतलब वो उसने अपने आप को बिल्कुल निगेट कर दिया है, बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर दिया है. वो कहती है इंसान के दिल के सामने बला परिंदे के दिल की क्या हैसियत है, उसके सामने वो स्टूडेंट, उसकी मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना आप जो है इसमें गुम कर देती है. सो शी स्प्रेड हर ब्राउन विंग्स फॉर फ्लाइट एंड सोर्ड इन टू द एयर, और वो जो है अपने ब्राउन विंग्स फैलाती है, उड़ती है और हवा में जाती है. शी स्वेप्ट ओवर द गार्डन लाइक अ शैडो, सेल्ड थ्रू द ग्लू, वो एक शेडो की तरह उस तमाम बाग में से गुजरती है, और एक शेडो की तरह वो तमाम जो है उस ग्रूव से जो है वो गुजर जाती है, दरख्तों को जो पूरा झुंड होता है. The young student was still lying on the grass where she had left him, and the tears were not yet dry on his beautiful eyes. Young student जी अभी तक जो है ग्रास पे लेटा हुआ है जहाँ पर उसने उसे छोड़ा था, अभी तक वो रो रहा है, उसकी आंखों में, खूबसूरत आंखों में जो वो है ना आंसू है, वो अभी तक खुश्क नहीं हुए. Be happy, cried the nightingale. Be happy, you shall have your red rose. I'll build it out of music by moonlight and stain it with my own heart's blood. वो उसे कहती है तुम खुश हो जाओ क्योंकि मैं जो है तुम्हारे लिए रेड रोज लेकर आऊँगी. वो उसे बताती है ठीक है, मैं उसको जो है चांद की रोशनी में म्यूजिक से बचाऊंगी, बनाऊंगी, और मैं उसको दिल के खून देकर उसको रंगूंगी. All that I ask of you in return is that you will be a true lover, for love is wiser than philosophy, though she is wise. बदले में मैं तुमसे सिर्फ इतना मांगती हूँ कि तुम हमेशा एक सच्चे लवर रहना, क्योंकि लव इज़ वाइजर देन फिलोसफी, मोहब्बत फलसफे से ज़्यादा अकलमंद है, दो ही इज़ वाइज. अगर फलसफा बहुत अकलमंद माना जाता है, लेकिन मोहब्बत उससे भी ज़्यादा अकलमंद है. एंड माइटियर देन पावर, और मोहब्बत पावर से ज़्यादा ताकतवर है, दो ही इज़ माइटी, अगर जब पावर में बहुत ताकत है. फ्लेम कलर्ड आर हिज विंग्स, मोहब्बत के पर शोलों के रंग की तरह है, रेड कलर इन कलर्ड लाइक फ्लेम इज हिज बॉडी, और मोहब्बत का पूरा जिस्म फ्लेम से बना है, पैशन है. हिज लिप्स आर स्वीट इज हनी, मोहब्बत के लिप्स जो हैं वो हनी की तरह स्वीट हैं. एंड हिज ब्रेथ इज लाइक फ्रेगरेंस, और उसकी जो सांस है वो खूबसूरत फ्रेगरेंस की, बहुत खूबसूरत खुशबू है उसकी तरह है.
The student looked up from the grass and listened. Student जो है वो दरख्त में से ऊपर देखता है and listened और वो उसकी बात को सुनता है, वो सुनता है, listen, but he could not understand what the nightingale was saying to him. लेकिन nightingale जो student से कह रही है, student को समझ नहीं आ रही है, for he only knew the things that are written down in books. क्योंकि वो student है और वो सिर्फ वो बातें समझता है जो कि किताबों में लिखी हुई, उसको nightingale की बात की समझ नहीं आती. यहाँ पर मैं part 5 इसका ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें. यंग स्टूडेंट जो है उसको बताया गया कि वो बार बार बताया जाता है कि वो खूबसूरत है बिकॉज मेन करेक्टर है, उसे sympathy फील होती है. जब भी आपको कोई मेन करेक्टर होता है ड्रामों में, मूवीज़ में, वो खूबसूरत गर्ल हो या बॉय हो, वो खूबसूरत होगा या खूबसूरत होगी, क्योंकि खूबसूरत लोगों से हम सिंपैथी ज़्यादा फील हो सकती है, किसी बूढ़े शख्स से और अगली बंदे से नहीं फील होती. तो हमें ये पॉइंट जो है बार बार बता रहे हैं कि वो खूबसूरत है, खूबसूरत आंखें हैं वगैरह वगैरह. दूसरी बात आप नोट करें, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो रेड रोज़ हासिल करके उसको इतनी ही ज़रूरत है, तो नाइटिंगेल के बजाय उसको जाना चाहिए था. लेकिन जब से जो है वो ये बातें कर रहे हैं, वो जस्ट रोए जा रहा है और लेटा हुआ है, ये जाती है, ये तीन ट्रीज पे पिर कर आती है, आती है तो वहीं पर लेटा हुआ है. दूसरी बात है, उसको नाइटिंगेल की बातों की समझ ही नहीं आती है. इस स्टोरी में तमाम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, उसको भी समझना चाहिए था और वो सुनता भी है, लेकिन उसको समझ नहीं आती है क्योंकि वो जो है इस चीज़ों से वाकिफ ही नहीं है. वो सिर्फ जो है बुक्स को समझता है और वो जो है मोहब्बत के अल्फाज, और वो जो है इस तरह जज्बों की बातें जो है वो समझ नहीं सकता. ये यहाँ तक तो जो है इंशाल्लाह है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको ख़त्म करूँगी. थैंक यू वेरी मच.